प्रिय छात्र छात्री माने समस्त को मास्टर गन आईक्यू चैनल को स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन ने कवर अप करबा सोशल साइंस रो इंपोर्टेंट कांसेप्ट जहा कि एमसीक्यू फॉर्मेट रे रहिछि सीरीज नंबर 2 को ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई महत्वपूर्ण अटे। सिलेक्टेड क्वेश्चन पिले रहिछि पूर्वरु एग्जाम रे आसी सारिछि एवं जहा भी प्रेजेंट डेट रे एग्जाम चलिछि सेतिर मध्ये क्वेश्चन रिपीट होउछि। एसएससी सीजन ले क्वेश्चन आसीतला ई कांसेप्ट भितरु, एसएससी जीडी होउ एसएससी सीएचएसएल जो आसूँ एग्जाम तापाई गुरुत्वपूर्ण अटे। ओएसएससी ओ ट्रिपल एसएससी बीडी एग्जाम समस्त एग्जाम पे गुरुत्वपूर्ण अटे। तो सेशन टी आपने कम्प्लीटली देखिए ऑल एंट्रेंस एग्जाम रो प्रिपेरेशन आपण मैंने चैनल मध्यम करें, समस्त सब्जेक्ट रो क्लास पाइपे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम रो लिंक अच्छे, टेलीग्राम रे निहाती भाव में जॉइन हेबे जहाद्वारा कि से लाइव क्लास रो लिंक अवेलेबल रोचे, समस्त प्रकार पीडीएफ नोट्स वगैरह से अवेलेबल रोचे से मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 25 रु स्टार्ट करिबा, व्हिच इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, भारतर प्रथम न्यूज़पेपर नाम कौन? बॉम्बे गेजेट, बेंगल गेजेट, बॉम्बे टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। भारतर प्रथम न्यूज़पेपर होउछि बेंगल गेजेट, जहाँ कि ऑप्शन बी रूप से आपण मानक पाखरे रहिछि, तो मन रखिबा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, हु बिल्ट साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम को किए तैयारी करते? एग्जाम पे बहुत तरह ये क्वेश्चन आसूँ। साबरमती आश्रम कौटी अच्छी? गुजरात जो रही प्रेजेंट स्टेट आम गुजरात रही, गुजरात साबरमती आश्रम पे रही, तो जहाँ निर्माण करते महात्मा गांधी। ठीक अच्छे, परवर्त क्वेश्चन आम जा क्वेश्चन नंबर 27 को, हु सरी क्वेश्चन नंबर 27 ना, बैटल ऑफ पलासी वाज ए 14, पलासी युद्ध केते मसीह रही थिला, का का भीतर रही थिला? सिराज उद्दौला, मंगर नवाब जी की थिले सिराज उद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव को भीतर रही थिला। 1757 मसीह रही थिला पलासी युद्ध। पलासी युद्ध एवं उठे थ्योरी क्लास मु ऑलरेडी करि सारिछि, आपण माने हिस्ट्री रो जो सेक्शन रहिछि सेठी जाके चेक आउट कर परबे। हु वाज फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इरा, फास्ट भाईसरे कथा पचारि के खुशी ना ना निहाति भाव खुशी लगुव पिले जदि तुम्हें थ्योरी क्लास को देखु। प्रथम भाईसरे थिले एवं लास्ट गवर्नर जनरल थिले से व्यक्ति होती किए लॉर्ड क्यानी, किए पिले लॉर्ड क्यानी आसीज सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच फ्रीडम फाइटर फ्रम बेंगल डैड एट द एज अफ 18, बेंगल जड़े फ्रीडम फाइटर सी थे 18 वर्षरे तंकर देहांत होइतिला बा मृत्युवरण करथिले से व्यक्ति किए? क्वेश्चन नंबर 29 फिले खुदिराम बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, चित्तरंजन दास, राजा राममोहन रॉय। से होउछंती आमर खुदिराम बोस पिले, मन रखिबा ऑप्शन ए आसी जीव हेरा सटीक आंसर, जे कि बेंगल जने स्वाधीनता संग्राम में कहि परिबा 18 वर्ष बयसरे से मृत्युवरण करथिले। क्वेश्चन नंबर 30, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट सुभाष चंद्र बोस रिवाम्प्ड द इंडियन नेशनल कौन? नाभी, डिफेन्स आर्मी, आईएनए गठन करते ना पिले, मन अच्छे तो आईएनए सुभाष बोस गठन करते जितेबले से आईएनसी परित्याग करते 1939 मसीह, तो इंडियन नेशनल आर्मी पिले, ऑप्शन बी एस जी यार सटिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, हु डिक्लेयर एज हिज अल्टीमेट एम द वीपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई? अच्छा, जवाहरलाल नेहरू, गांधीजी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 31 पिले किए कही कि समस्त आखिर लुह पोछा आम कहीपर एक जवाहरलाल नेहरू कही आमर प्रथम प्रधानमंत्री सी बनी। गांधीजी स्टार्टेड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन, गांधीजी कितने मसीह नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते? 1880, 1920, 1940 नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट डियर स्टूडेंट्स 1920 मसीह आरंभ होता, 1922 मसीह स्थगित रखाई ड्यू टू चौरी चौरा इंसीडेंट, जोटा कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक गोटे स्थान घटी था, तो 1920 आरंभ होता, 1922 तो शेष होता। क्वेश्चन नंबर 33, हु वाज द फर्स्ट टेम्पोरारी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो रही तार टेम्पोरारी चेयरमैन पिले किए थे आमको पचार, तो टेम्पोरारी चेयरमैन थे पिले
बी आर आम्बेदकर ना जवाहरलाल नेहरू ना राजेन्द्र प्रसाद ना सच्चिदानंद सिन्हा तो यार सठिक आंसर आसीज सच्चिदानंद सिन्हा एवं मु तुम मानक पे कही कि सच्चिदानंद सिन्हा कौन पर टेम्पोरारी चेयरमैन थे एथपाई कि टेम्पोरारी चेयरमैन थे कि सबुठ से वयोज्येष्ठ थे से ग्रुप्र जो मेम्बर मान भितर तार केते दिन पर परमानेंट चेयरमैन बछा होते जहाँकि राजेन्द्र प्रसाद रूप से राजेन्द्र प्रसाद परमानेंट चेयरमैन होते तो केते दिन पर बछा होते तो निहाती भाव कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जना मुझ जनई पी तुम मानक पढ़े थीओरी पढ़े हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया प्रथम महिला राज्यपाल पे किए जाच पे प्रथम महिला राज्यपाल किए कमला नेहरू मैडम बिकाजी कामा सरोजिनी नायडू ना विजय लक्ष्मी पंडित क्वेश्चन नंबर 34 पिले यार सठिक आंसर आसीज सरोजिनी नायडू तो प्रथम महिला राज्यपाल जिकि झारखंड राज्यपाल रूप से निजुक्ति पाई मन रखी कौटार पाई झारखंड चर्चेस एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा वेयर बिल्ड बाय गोवा को सर्वप्रथम पिले किए किए आसी मैंने अख्तियार करते पर्तुगीज मैंने ना तो इजिली आम कहीपर कि चर्चेस आउ कन्वेंट्स गुड़िक जो गोवा रही पर्तुगीज मैंने ही तैयारी करते इन 1617 द ब्रिटिश इंडिया कंपनी वाज गिवेन परमिशन बाय डैश टू ट्रेड इन अकबर जिते बड़े 1617 मसीह ब्रिटिश अध्यक्ष ठीक अच्छे आसी परमिशन नापी कि भारत में आम ट्रेड करूँ तो से किए शासन करते से मोगल शासन चली 1617 ख्रीटाब्दे तो किए करते सी करते हूँ जहांगीर पे जहांगीर थे द डिसीजन ऑफ अ पिटीशन ऑफ अ बेंगल अनाउंस इन 1905 बाय 1905 मसीह जो बेंगल को भाग भाग करा पिटीशन आसी तो सेते किए थे बेंगल रो गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन पिले मन रख 1899 मसीह गवर्नरशिप आरंभ हो 1905 पर्यंत इन ह्विच इयर डिड द कैकोरी कन्स्पिरेसी केस टेक प्लेस कैकोरी कन्स्पिरेसी केते मसीहारे हेतिला आमे कोई परिवा ताको टेकअप करा जायतिला क्वेश्चन नंबर 38 पिले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यार सठिक आंसर आसी 1925 पढ़े पिले ए अबाउट रे क्वेश्चन नंबर 39 हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट सी होती आमर किए सरोजिनी नायडू तो यहाँ तो आम कवरअप करें सरोजिनी नायडू क्वेश्चन नंबर 40 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स इज नॉट करेक्टली मैच विथ इट्स एडिटर कौटा पे मैच करूनी क्वेश्चन नंबर 40 आमको पचारि वंदे मातरम अरविंद घोष न्यू इंडिया विपिन चंद्र पॉल जुगांतर भूपेन्द्रनाथ दत्त संध्या बरेन्द्र घोष तो संध्याटा पिले बरेन्द्र घोष हम ना ठीक अच्छे आउ सब गुड़िक ठीक अच्छे द संग वंदे मातरम अकर्स इन द बुक वंदे मातरम टा कौ बुक आसी आनंद मठ रु आसी ना पिले कौट आसी वंदे मातरम टा कौटे आसी आनंद मठ रु आसी ऑप्शन बी द ओनली वॉइस रॉय टू बी एसिनेटेड इन इंडिया वाज एटा पिले पढ़े एटा पढ़े तुम मानक लॉर्ड हेडिंग लॉर्ड नॉर्थब्रुक लॉर्ड एलिनबरो ना लॉर्ड मायो क्वेश्चन नंबर 42 फिले लॉर्ड मायो फिले लॉर्ड मायो पढ़ाई रे मायो पढ़ाई मायों अबाउट रे मुझे पढ़े तुमको जाओ थ्योरी क्लास देख इजिली तुम्हें मैंने ये सब क्वेश्चन को अटेंड कर पार क्लास देख पिले क्लास देखने सबूपर हु वाज द फाउंडर ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी थियोसोफिकल सोसाइटी किए गठन करते जस्टिस राणा डे मैडम भालवास्के एनी बेसन बाल गंगाधर तिलक क्वेश्चन नंबर 43 फिले यार आंसर आसीज मैडम भालवास्के ठीक अच्छे ये हूँ फाउंडर पिले थियोसोफिकल सोसाइटी द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रथम महिला भाव में जातीय कांग्रेस रे योगदान करथिबा व्यक्ति होती एनी बेसंत जिकि आम भारत न होकि योगदान करते मैंने से अपॉइंटेड होते इंडियन नेशनल कांग्रेस स्पील फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स सेशन आटे आमर जो आईएनसी पिले डिस्ट्रीब्यूट होता दुईटा ग्रुप रे चरमपंथी नरमपंथी सुराट सेशन होता सुराट सेशन आम के मसीह 1907 मसीह सुराट सेशन एग्जाम पे क्वेश्चन आसूचे
एवं आउ गोटे कथा पिले ये सब क्वेश्चन पिले जान कौटू आसी ये सब क्वेश्चन पिले एसएससी रु आसी माने एसएससी एग्जाम पिले ये सब क्वेश्चन आगे पढ़ी सारी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज नॉट फाउंडेड बाय महात्मा गांधी महात्मा गांधी द्वारा कौटा गठन ही नाला साबरमती आश्रम तो गठन होता विश्वभारती सेवाग्राम फोने फोनिक्स आश्रम तो इजिली तुम्हें मैंने पीले ऑप्शन को जदि देखिबो जानि परथुबो विश्वभारती पीले गठन ही नाला विश्वभारती कहा द्वारा गठन होता समस्ते लाइव चैट रे जण इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बहुत ही मानने दिलदस्त वाला क्वेश्चन पिले इंग्लिश एजुकेशन को लॉन्च करथिले किए भारत में किए इंट्रोड्यूस करते कर्जन डेला हाउस मकाउले ना बेंटिक तो आम ये कहींपर पे जो इंग्लिश एजुकेशन रही है सी मकाउले द्वारा होता मकाउली को कौन बोलिका बछाई था आम पॉलिटी पढ़ीचे मकाउली को ल मेम्बर रूप में बछाई था पूर्व पे तीन जन थे मकाउले आसे आउ गोटे मेम्बर आड हो चारज तो मकाउली को ल मेम्बर रूप में बछाई था हु एमंग द फॉलोइंग डीड गांधीजी रिगार्डेड हज पॉलिटिकल गुरु केते थर ए क्वेश्चन पचारू पिले पॉलिटिकल गुरु होंगे गोपाल कृष्ण गोखेल ठीक अच्छे जिकि नरमपंथी नेता थे व्हाट इज द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ वहाबी मूवमेंट अच्छा वहाबी मूवमेंट जो पिले होता तार मुख्य उद्देश्य कौन थी फर्स्ट से कोडियल रिलेशन विथ द ब्रिटिश प्यूरीफाई इस्लाम इम्प्रूव द कंडीशन अफ ओमेन एडप्ट अफ रेशनाल एजुकेशन वहाबी मुमेंट पे पढ़ा जाइए वहाबी मुमेंट जो होता तो सहीटा हूँ प्यूरीफाई इस्लाम पिले ठीक अच्छे प्यूरीफाई इस्लाम गांधीजी सत्याग्रह मीट एंड अटैचमेंट टू द फॉलोइंग टू एलिमेंट्स गांधीजी जो सत्याग्रह अर्थ कौन थी सत्य अहिंसा ठीक अच्छे सत्य अहिंसा पिले क्वेश्चन नंबर 51 एटा मु तुम मानक पिले होमवर्क दौचे रे एटा मु तुम मानक होमवर्क दौचे क्वेश्चन रोज मोर हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज रो फाउंडर किए यार आंसर तुम मैंने कमेंट सेक्शन में जनइब एवं आशा करूँ तुम मानक सेसन भल लगे तो निहाती भाव में सीरीज तुम मानक मिल पार टे अधिकांश समय पे मैनेजमेंट करने पड़ू कारण अदर सब्जेक्टर क्लास कराऊँगी से सीरीजटा टी लेट्रे आसला मुझ चेष्टा करी सीरीज गुड़ी को बैक टू बैक आने तो निहाती भाव में चैनल को सपोर्ट करूँ सब्सक्राइब करूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक अच्छे टेलीग्राम जॉइन हो जातु ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेरेशन करेंगे तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो जय हिंद जय जगन्नाथ जय भारत।